हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट टू। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन करा था, थ्योरेटिकल पार्ट करा था, और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट टू में जाने से पहले, न्यूमेरिकल से पहले, आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में मैं आपको रिमेम्बर कराना चाहूँगा। अगर आपने डेरिवेशन देखना है तो प्रीवियस लेक्चर पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोई प्रोजेक्टाइल पाथ है, पैराबोलिक पाथ है एक्चुअल में। इसे हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है, यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट करा है। प्रोजेक्शन जो एंगल है वो है थीटा, थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल, एंगल थीटा यू से हमने करा। मैक्सिमम हाइट पे अगर हम उसकी वेलोसिटी चेक करें, मैक्सिमम हाइट सबसे पहले कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो रेंज होता है उसे रेंज का हाफ बोला जाता है, हाफ ऑफ रेंज। और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे मान लीजिए बॉल या सब्सटेंस जो भी है वो ड्रॉप हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? तो मैक्सिमम हाइट, रेंज और ये सब के बारे जो जो फॉर्मूला जो हो सकते हैं वो हम करेंगे। देखिए सबसे पहले एंगल की बात करते रहूँ, एंगल हमेशा होगा वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सेकेंड में अगर हम बात करें किसकी, रेंज की, तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, या फिर हम बोल सकते हैं टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन जी। क्लियर? थर्ड में अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। एंड अगर हम मान लेते हैं वर्टिकल पूरा मैक्सिमम हाइट पे या फिर यहाँ पे नहीं होगा, इस बीच में कहीं पे हो, और वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स और वाई, तो इसके लिए जो रिलेशन होता है जिसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ या प्रोजेक्टाइल कहते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है कुछ फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन कुछ जो भी फिलहाल जिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले उस पे करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला जो भी पार्ट बनेगा उस पे हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह सब ये मैं रफ कर देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी 20 meters per second with projection angle is 60 degree, then find velocity at maximum height। यह बोला जा रहा है कि किसी बुलेट को हम फायर कर रहे हैं गन की हेल्प से, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको सिर्फ वेलोसिटी बोला जाएगा तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना, मींस एंगल भी आपको फाइंड करना होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये है कि आपने अगर मोशन इन 1D पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम ये बोलते थे कि मोशन जो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट होती है वो जीरो हो जाती है, वहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये 2D मोशन है, मीन्स एक्स एंड वाई दोनों में एक साथ मोशन होते रहता है, तो इस वजह से एक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी जो कि वर्टिकल मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग, बट हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची होगी जो कि कांस्टेंट होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। मान लेते हैं कि जिसे हम वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए वो है यू, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है 20 meters per second। इनिशियली हमने इसी से प्रोजेक्ट करा था उस बुलेट को गन की हेल्प से, ठीक है। एंगल, प्रोजेक्शन एंगल जो गिवन है वो है 60 degree, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट की हम बात करते हैं, दिस इज मैक्सिमम, यहां पे अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट जो है यहां पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे जीरो है,
बट जो जीरो नहीं है, अगर ये पूरा ओवरऑल वेलोसिटी जीरो हो जाती तो आप जरा सोच के देखिए ये पाथ फिर कैसे हो पाता, नहीं हो पाता ना, आगे का पाथ कैसे होता, ग्रेविटी तो उसे सीधा अपनी तरफ पुल कर लेता। लेकिन ये पाथ कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अभी भी वेलोसिटी सपोर्टिंग है, और वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी है यहाँ पे वेक से दिखा दे रहे, वो क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है। चाहे आप इस वेलोसिटी को यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, या फिर ओवरऑल जब लास्ट में आप चेक करोगे तो भी इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है। दिस इज यू कॉस थीटा। एंगल कितना की मैंने थीटा, थीटा है 60 डिग्री। तो अगर हम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम हाइट चेक करें तो यू कॉस 60 डिग्री मीन्स 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब एंगल की बात कर लेते हैं, हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया। मैग्नीट्यूड अगर हम नेट वेलोसिटी की बात भी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, vx प्लस vy, दिस इज इन i कैप, दिस इज इन j कैप, मोशन इन 2D है। या हम ओवरऑल बात करेंगे, vy 0 है, vx की वैल्यू 10 है, 10 i कैप। तो कुल मिला के जो वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिल जाएगा वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, मींस हाफ वेलोसिटी हो जाएगी, जो टोटल था उसका हाफ हो जाना है मैक्सिमम हाइट पे। क्लियर, तो आगे हम देखते हैं एंगल के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जैसे मैक्सिमम हाइट पे हम चले गए, यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का हो सकता है, जरा ध्यान से चेक कर लीजिए। ये है आपका मोशन, टेन अल्फा मान लेते हैं, वो अल्फा आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस केस में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये तो है ही नहीं, इसके साथ आप 90 डिग्री मत देख लीजिए, ये तो जीरो है, ये तो है ही नहीं एक्चुअली में। तो जो भी है जो पूरा का पूरा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू आप जीरो लिख लीजिए, फिर अल्फा की वैल्यू जीरो लिख लीजिए। ठीक है, कोई वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस केस में मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ से आपने कितना देख लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे फटाफट से रफ कर दे रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में जो हमने देखा था वो क्या था, कि जो हमें वेलोसिटी फाइंड करी हमने, जो वो कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे, हाँ मैक्सिमम हाइट पे हमने वेलोसिटी फाइंड करा था। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे लेकिन मैक्सिमम हाइट पे नहीं, एक कंप्लीट प्रोजेक्शन के बाद, देन फाइंड वेलोसिटी एट या आफ्टर कंप्लीट प्रोजेक्शन, कंप्लीट प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल, कंप्लीट एक प्रोजेक्टाइल हो जाए, मीन्स मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, यहां पे एक कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इसी गन की हम बात कर लेते हैं, गन से जो ब्लेड फायर हुआ तो उसी की बात करते हैं। यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट करा था, यहां पे जब ये पहुंच गया यहां पे, तब हमें चेक करना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए चेक कर देते। तो इस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू अभी हमने 20 मीटर, चलिए क्वेश्चन के डेटा को चेंज नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, ये थीटा कितना है, 60 डिग्री है, u की वैल्यू हो गई थीटा है 60 डिग्री। यहाँ पे मीन्स ये जो कंप्लीट रेंज आपको हॉरिजॉन्टली मिल रहा है, यहाँ पे यहीं पे आपको चेक करना है कि कितनी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंप्लीट प्रोजेक्शन की तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, दिस इज वी, इधर जो होगा वो कहलाएगा यू कॉस थीटा। क्यों, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज यू कॉस थीटा, एंड वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देख लीजिए ध्यान से, ये जो बुलेट है वो भी नीचे आना चाह रहा है, जो कि आ रहा है, और ग्रेविटी, ग्रेविटी भी इसे सपोर्ट करेगा, इसीलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ भी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लगाना चाहें क्या होगा, तो देख लीजिए v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, u प्लस at, मीन्स u यहाँ पे इनिशियल वाला क्या था, u साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इधर है u cos थीटा और इधर पे क्या होता, u साइन थीटा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन। तो u sin थीटा माइनस नहीं, अब यहाँ पे प्लस का gt हो जाए, क्यों, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम दोनों निकाल लेते हैं, vx एंड vy, vx कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, vx इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, u cos थीटा, u cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री,
u की वैल्यू 20, cos 60 होगा 1/2, 10 जा, तो vx की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग हम चेक कर लेते हैं, vy क्या है, u sin 60 प्लस g की वैल्यू 10 मान के ही चलते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा, पहले टाइम भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उस टाइम को भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, 2u sin थीटा, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन g, 2u की वैल्यू है 20, sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, g की वैल्यू होगी 10, 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2√3 सेकेंड। टाइम कितना लग गया यहाँ तक पहुँचने में उसे, 2√3 सेकेंड, मीन्स अगर बुलेट फायर किया गया है तो उसे कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2√3 सेकेंड। ठीक है, यहां तक ये पहुंच चुका है। हमें जो फाइंड करना है यहां पे वेलोसिटी फाइंड कर ली, मींस यहां से बुलेट को फायर करने के बाद जिस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो ड्रॉप हो रहा है, चला जा रहा है प्रोजेक्टाइल करते हुए, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी, मींस किसी मैन को वो हिट कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो हिट कर रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको ठोक देना है, मतलब कहीं पे ब्लॉक ही मान लेते, ब्लॉक के ही जाके वो ठोक रहा है तो कितने वेलोसिटी से ठोकेगा उसे। ठीक है, तो वो 10, टाइम कितना निकल गया, 2√3, क्लियर है। तो यू की वैल्यू कितनी है, 20 साइन 60 इज √3 अपॉन 2 प्लस 10 जी टी, हाँ सही चल रहे, 2√3 है, चलिए √3 हम ले लेते हैं कॉमन, ये 10 हो गया, √3 कॉमन ले ले, 10 भी कॉमन ले लेते साथ में, 10√3 इधर भी है, 10√3 इधर भी है, तो इधर 1 इधर 2 बच गया। ठीक है, 1 + 2 = 3, 3 × 10 = 30√3, 30√3 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्लियर। ये किस डायरेक्शन में आ गया, ये जो हमारा आया किस डायरेक्शन में आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया। हमें चाहिए नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए, वी एक्स कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इधर है 10√3, इसका स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 × 3 = 300, 400, कुल मिला के आपको वही मिल गया जो पहले था, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि कंजर्वेशन होता है, समझ रहे, अगर हमने बुलेट को फायर करा है तो मास तो उसका रिड्यूस नहीं होगा, इतनी जल्दी मास कहाँ गायब हो जाएगा, कोई रॉकेट थोड़ी जो फ्यूल सब टैंक वगैरह वगैरह अलग हो गया। ठीक है, ये बुलेट है, बुलेट मीन्स जिसे हम फायर कर रहे गन से, तो बुलेट यहाँ से जाने के बाद जहाँ तक वो हीट करता, जहाँ पे वो हीट कर रहा है उस टोटल टाइम पीरियड, उस टोटल मोशन के थ्रू उसके मास में कोई रिडक्शन नहीं हुआ, सेम टू सेम मास रहा। ठीक है, मास में कोई कमी नहीं हुआ, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जब मास में कोई कमी नहीं है, ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड रखना है तो वेलोसिटी को भी सेम रखना पड़ेगा, वेलोसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो इनिशियल था वही फाइनल रहा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो यहाँ पे जो एंगल है उसे हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इतना मर्क दो ही क्या यूज कर रहा है, टेन अल्फा की बात कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज वी वाई अपॉन वी एक्स, ऑलवेज लगाते चलिए इसको, वी वाई क्या है हमारा, जरा ध्यान से देख लीजिए, नेगेटिव एक्सिस में, तो आप नेगेटिव के साइन के साथ लगाइए, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, माइनस का हो जाए क्योंकि नीचे की तरफ है, 10 आई मीन 30√3 और वी एक्स की वैल्यू 10 कैंसिल हो गए, तो जो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो एंगल या डायरेक्शन है, 10 inverse 3√3, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इस केस में हमने ये गेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चेक करते हैं, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, इफ द रेंज रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज आर, लिख रहा हूं आर, कितना कितना ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं 40, हाइट ले लेते हैं 10 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
ठीक है। तो कुल मिला के आपको प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करना है जब दो डेटा आपके पास हो, एक तो आपको क्या रेंज गिवन और एक मैक्सिमम हाइट गिवन हो। तो दो तरीका है करने के। अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो बाई प्रोसेस कीजिए, नीट या जेई के स्टूडेंट है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए। पहले बाई प्रोसेस करा रहा हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, रेंज की बात अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, चलो टू बाहर ही निकल लेंगे, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इन टू कॉस थीटा होल अपॉन जी, ठीक है। एंड मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, इसका जी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, दोनों का लेना है हमने रेशियो, चलिए ले लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन जी, इधर से चेक करें तो यू स्क्वायर साइन थीटा आई मीन साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन टू जी, जी जी कैंसिल हो गया। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साइन थीटा एक स्क्वायर का कैंसिल हो गया, ठीक है। मीन्स आर अपॉन एच का जो फॉर्मूला यहां से हम चेक कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, टू टू जै फोर टेन थीटा, क्या मिल गया यहां से आपको, आर अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो जब आपको नीट विट में करना हो क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। बाई प्रोसेस अगर हम चेक करते रहे तो फोर टेन थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 40, एच की वैल्यू है 10, जीरो जीरो कैंसिल, फोर से फोर भी कैंसिल, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से हम देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इस 1 की जगह पर क्या मैं टेन 45 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो टेन से टेन कैंसिल कर लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, क्लियर। तो यहां से हमने क्या चेक करा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, वेरी गुड। अब भाई शॉर्ट ट्रिक आप करना चाहते हैं तो यहीं से देख लीजिए क्या कर सकते हैं, बताइए जरा, डायरेक्ट यहां से लगा लेते आर अपॉन एच इक्वल टू 4 टेन थीटा, बस यहीं से तुमने ये कराई और ये आप गेट कर लेते। तो कुल मिला के ये बाई प्रोसेस करना, अगर 11th के स्टूडेंट है तो ऐसे करके सामने से जाइए, अदरवाइज फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, किसी स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, मींस एक स्टोन को आपने थ्रो करा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, चलिए क्लियर है, यू की वैल्यू हो गई कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री, दिस इज थीटा, मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन 60 डिग्री। फाइंड इट्स हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मीन्स ये पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये मैक्सिमम हाइट को भी अचीव नहीं कर रहा है, ये बीच में ही कहीं पे जहां से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर, दिस इज ये सिर्फ इतना ही है 3 मीटर, मीन्स मान लेते एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 3 मीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है हाइट, वो हाइट फाइंड करना, दिस इज ये एच आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है कि वो उस टाइम पे कहां कब कहां पे होगा, मीन्स ये कोई बॉल है या स्टोन है यहां पे पहुंचने पे, जब उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से 3 मीटर, तो वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स हाइट या फिर वाई कितना होगा, ये हमने फाइंड करना, क्लियर है। तो चलिए एक ही रिलेशनल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम करते हैं, वाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का हेल्प लेते हैं, y की जगह पे हम हाइट रख देते हैं, h ये जो हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, 3 पुट कर दिया, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 पुट कर दिया, g 10 मान के चलते हैं, x की वैल्यू कितनी है फिर से 3, 3 का स्क्वायर हो गया 2, u है 10 मीटर 10 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर है। सारे डेटा हमने एज इट इज पुट कर दिया जैसा कि हमें गिवन है, अब तो सिंपल है, फिर आपको सिर्फ कैलकुलेट करना, 3 tan 60 की वैल्यू तो रूट 3, वेरी गुड, 10 3 का स्क्वायर हो गया 9,
टू, टेन का स्क्वायर 100, कॉस स्क्वायर 60, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, क्लियर, वेरी गुड। 2 से 2, 2 जा 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिया, 3√3 माइनस, ये 2 पर चला जाएगा, 18 अपॉन 10, 1.732। रूट थ्री की जो वैल्यू होती है, रूट थ्री की वैल्यू कितनी थी 1.732, पुट कर दिया हमने, माइनस 1.8, कुछ नहीं, 0 0 लगा दी अपनी तरफ से, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करते, 3 6 चलिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद 3 के लगा दिया 1.800, ये 6 हो गए, 9 हो गए, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है, 3.396 मीटर, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 3.4 मीटर के आसपास, मीन्स अब ये जो इसका पोजीशन है, वर्टिकली जो पोजीशन है वो कितने पे, 3.4 मीटर के आसपास, अप्रॉक्सीमेट 3.4 मीटर पे ये है, क्लियर, हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पे। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो उसका कि वर्टिकल हाइट या रेंज का हाफ कितना होगा, तो वो अलग बात है, आप चेक कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब अलग चीज है, फिर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, और आज के लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले जो एप्लीकेशन उसके ऊपर हम बात करेंगे, नेक्स्ट केस के ऊपर बात करेंगे, दैट इज कि अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली के बीच में नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली हॉरिजॉन्टली अगर हम सरफेस पर थ्रो करते तब क्या सीन बनेगा, फिर उसका रेंज फॉर्मूलाज वगैरह डेरिवेशन सब चीज करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, काफी आसान चैप्टर है, एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।